दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने आईपीओ को लिस्ट हुए 16 ईयर्स हो गए और उस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे विद इन दिस पीरियड, मतलब 16 ईयर्स में, मतलब 16 साल में, 10,000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे तो 21 लाख रुपये बना दिए। 16 साल में 10,000 रुपये के 21 लाख रुपये बना दिए। तो ऐसे ही हम उस शेयर के बारे में आज बात करेंगे। इतने गजब का शेयर है, उस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसी शेयर ने नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी शेयर है उन सब ने इस तरीके का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कि अपने शेयर होल्डर्स को करोड़पति बना दिया है। तो उस शेयर के बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए, कल के वीडियो के लिए। मुझे कल कॉल भी आई थी और मुझे अप्रिसिएशन भी मिला था कि आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाई है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट अप्रिसिएशन। तो आज हम दिखाना चाहता हूँ, ये कोई मेरी न्यूज़ नहीं है। तो देखिए शेयर, तो ये 10,000 रुपये के बने 21 लाख रुपये आईपीओ में। अगर मैं आपके लिए पढ़ के दिखा रहा हूँ, आईपीओ में अगर किसी ने 10,000 रुपये का निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू अब बढ़कर 21 लाख से ज़्यादा, 21 लाख से ज़्यादा हो गई। इसके अलावा डिविडेंड से होने वाली आय अलग है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी ने आईपीओ में, जब इसका आईपीओ हुआ आया था, तो किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे केवल, तो आज 21 लाख रुपये हो गए होंगे। और उसके अलावा जो डिविडेंड हर साल कंपनी एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार डिविडेंड देती है, डिविडेंड की हिस्ट्री बढ़िया बेमिसाल है इस कंपनी की, मैंने देखी है, आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो उस कंपनी ने इसके शेयर, मतलब शेयर होल्डर्स को 10,000 के 21 लाख रुपये कर दिए एक्सेप्ट डिविडेंड। इसके अलावा एक और नीचे देख लीजिए, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाद में। और अगर 50,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो 1 करोड़ रुपये हो गए होते। तो कंपनी का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पूरी न्यूज़ पर आ जाते हैं कि न्यूज़ है क्या एग्जैक्टली। तो देखिए, TCS कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो जो TCS कंपनी है, TCS आपको पता है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, तो इसने अपने 16 साल कंप्लीट कर लिए हैं हमारी शेयर बाजार में। शेयर बाजार की बात कर रहा हूँ, आइए उससे भी पहले की है। तो देश की बड़ी आईटी कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि पहली रिलायंस है और दूसरी TCS है। रिलायंस के बाद TCS आती है और अपने सेक्टर में ये नंबर वन पे आती है। तो 16 साल इसने कंप्लीट कर लिए। और 16 साल में जो इनका मार्केट कैपिटल है कितना हो गया, 8,38,657.98 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैपिटल हो गया है। तो 25 अगस्त 2004 में लिस्ट हुआ था ये। तो इसने ये अपने जो ये अपने 16 साल है कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा देखिए, TCS का ये जो लिस्ट हुआ था लगभग 850 रुपये पे ये लिस्ट हुआ था। और जब ये 850 रुपये पर शेयर फिक्स हुआ था इसका, जिसने आईपीओ में, आईपीओ के लिए जो प्राइस फिक्स होता है, और जो लिस्ट हुआ था, ये लिस्ट हुआ था 1076 रुपये पर। तो इसने जैसे ही लिस्ट हुआ था तो लगभग 26.6% की प्रॉफिट का हर एक अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया था। और TCS आईपीओ में उत्साह था उस टाइम, और आईपीओ 7.7 गुना सब्सक्राइबर, तो 7.7% ज़्यादा सब्सक्राइब भी हुआ था। तो इस प्राइवेट, और ये उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ भी था। अब बोनस की बात की जाए तो इस कंपनी ने 3 बार बोनस भी दिया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा और यहाँ लिखा भी हुआ है। और बोनस क्या दिया है, 1:1 का। अगर आपका 100 शेयर होते तो वो 200 शेयर हो जाते इस तरीके से। तो कब कब बोनस दिया है देख लीजिए, 2006 में बोनस दिया 1:1 का, 17 जून 2009 को इसने 1:1, और रिकॉर्डेड 2G 2018 में, मतलब 2 साल पहले भी इन्होंने 1:1 का बोनस दिया है। तो इस लिहाज से अगर किसी ने आईपीओ में एक शेयर खरीदा होता, तो आज की डेट में उनके 8 शेयर हो जाते। तो वो कैसे हो जाते, तो देखिए, जैसे कि अगर किसी ने एक शेयर खरीदा है यहाँ पर, तो एक 1:1 का बोनस दिया तो 2 हो गए, फिर 2 शेयर थे उसके, फिर उनको बोनस दिया तो 2 के 4 हो गए, फिर 1:1 का बोनस दिया तो 4 अगन के थे तो वो 8 हो गए। तो इस तरीके से उनके शेयर 1 की जगह 8 उनके शेयर हो गए। अब देख लेते 10,000 के 21 लाख रुपए कैसे हो गए। तो देखिए, 2,250 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में उनका 21 लाख रुपए लगाया गया है।
तो 2250 रुपये शेयर का प्राइस है। ओके, शेयर कितने हो गए, एक के हो गए 8। इन्वेस्ट कितना किया, 10,000 डिवाइडेड बाई 850, क्योंकि 850 रुपये उन्होंने पर शेयर दिया था। 850 रुपये एक शेयर की कीमत थी जब IPO लिस्ट हुआ था। तो आज की डेट में कितने हो गए, 21 लाख रुपए हो गए हैं। तो मामूली रकम नहीं होती 21 लाख रुपए, 10,000 से 21 लाख। ऐसे ही 50,000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो उसी हिसाब से जो प्राइस रेशो है, 8 शेयर हो गए हैं, 50,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और 850, तो 1.05। और लोगों ने 50,000 और 10,000 इन्वेस्ट नहीं किए, लोगों ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो किस तरीके का मुनाफा उन्होंने उन्हें हुआ होगा तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप की तो आप कंपनी है, और टाटा ग्रुप के मार्केट कैप में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है ना, ये TCS ही रखता है। 82-85% का योगदान केवल यही रखता है टाटा ग्रुप के फाइनेंस में। तो ये खबर थी आज की जो 16-47 ने कंप्लीट कर लिए। तो आइए इसका एक वो फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। वन डे का परफॉर्मेंस ओके 2257 रुपये पे चल रहा है। ओके, 14.34% की जंप इसमें दिखाई है, 0.64% की। ओके, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए क्या बेहतरीन ये शेयर है, किस तरीके से ये शेयर भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। ओके, और क्या ये शेयर की ग्रोथ, क्या गजब की इसमें ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम पिछले 2 साल की बात कर लेते हैं तो 2 साल में ये शेयर 2015 में ये 1285 था, बट ये यहाँ पीरियड देखिए 2018 से, तो 2018 से लेके अभी तक ओके कंपनी ने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं है। ओके, बट दूसरी IT कंपनी काफ़ी तेज भागी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बेकार हो गई, बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब कंपनी है कि जिसने 10,000 के 21 लाख रुपए बना दिए। तो वो कंपनी किस तरीके की होगी तो वो आप खुद सोच सकते हैं। तो आइए आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आज के दिन ही कितनी 33.90% की डिलीवरीज लोगों में उठाई गई है, और यहाँ पर देख लीजिए 32 वीक हाई 30 जुलाई को 2358 रुपये का लगाया था, और 13 मार्च को जब मार्केट क्रैश हुई थी उससे पहले 1506 रुपये का इसका लोएस्ट था। ओके, इसकी कंपनी इंफॉर्मेशन की बात कर ली जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 72.05% की हिस्सेदारी इनके पास ही है, प्रमोटर्स के पास, और पब्लिक के पास 27.95% की हिस्सेदारी है। और डिविडेंड के मामले में जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या बेहतरीन डिविडेंड देती है, 5 रुपये 5 रुपये। ओके, इस 2020 में कितनी बार डिविडेंड दे दिया है, 5 रुपये 12 रुपये 6 रुपये 5 रुपये। तो 6 5 11 11 22 23 और 5 28, मतलब 28 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने, अगर किसी के पास एक लाख भी शेयर होंगे तो 1 लाख × 28, तो 28 लाख रुपीज़ तो ऐसे ही हो गया। ओके, तो शेयर इसकी कीमत ये होती है, और इनका प्लेज कर रखा है इन्होंने शेयर 2.94, बट ये कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, और TCS कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी है, जब चाहेगी तब इस अपने प्लेज को ख़त्म कर सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट की बात कर ली जाए तो देखिए रिजर्व्स देख लीजिए क्या बेहतरीन रिजर्व्स है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 64,77,825 करोड़ रुपीज़ के, 75,675 करोड़ के रिजर्व, 78,523 और 73,993 करोड़। तो रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, बेशक से घट रहे हैं ओके, बट फिर भी काफ़ी बेहतरीन इसके रिजर्व्स है। और कंपनी एकदम डेट फ्री है, किसी भी तरीके का कोई भी लोन कोई भी कर्ज इस कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये इस कंपनी की एक बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ली जाए तो कैश एंड बैंक बैलेंस इनका अभी के डेट में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पिछले साल इनका 89 करोड़ का रिजर्व था, और अब कैश एंड बैंक बैलेंस था, और अभी 48.24 करोड़ रुपीज़ का इनका कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास है। तो काफ़ी अच्छा इनका बैलेंस शीट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया डिविडेंड की बात कर ली जाए तो डिविडेंड की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है इनकी, तो आप देखेंगे 2004 में 2004 से डिविडेंड देती आई है। ओके, 300% का, मतलब 3 रुपये का, 3.5 का, 5 रुपीज़ का। ओके, और हर साल 3-3, 4-4, 5-5 बार ये डिविडेंड देती आई है। तो देखिए डिविडेंड की हिस्ट्री क्या है इनकी। ओके, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या डिविडेंड देती है ये कंपनी, और डिविडेंड दे के तो लोग डिविडेंड से ही ये समझिए अपना खर्चा साल भर का डिविडेंड से ही कमा लेते होंगे, जो जिनके पास लाखों रुपए होंगे, लाखों करोड़ों शेयर्स होंगे सॉरी।
इसके अलावा बोनस की बात की जाए तो बोनस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ओके 2006 में 1:1, 2009 में 1:1, 2018 में 1:1 का इन्होंने बोनस दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था 72.05% की हिस्सेदारी कंपनी के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर देखिए बढ़ाई है 0.11% से, तो 50.85% की। म्यूचुअल फंड ने घटाई है तो 2.51% की। इंश्योरेंस कंपनी 5.44% की। अदर DIS देख लीजिए 0.14% की, और नॉन इंस्टीट्यूशनल 4.01% की। ओके तो काफ़ी अच्छी इनकी हिस्सेदारी भी है। और प्लेज की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि 2.94% के इन्होंने शेयर अपने गिरवी रख रखे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनके पास इतना अच्छा रिजर्व्स है कि जिस दिन चाहेगी, ओके जिस दिन चाहेगी उस दिन कंपनी चुका देगी। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ इनके पास इतना अच्छा बेहतरीन रिजर्व्स है कि ये कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को दोबारा बोनस दे सकती है कि लो बोनस लो, ओके एंजॉय करो। इस तरीके से इनके पास इतना बेहतरीन रिजर्व्स है, और जिस कंपनी का रिजर्व्स अच्छे होते हैं वही कंपनी बोनस देती है। ऑब्वियसली बात है बोनस तभी देगी जब रिजर्व्स अच्छे होंगे। तो ये थी अपनी TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, ओके देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है और मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। तो इसलिए अगर किसी, और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि IPO में किसी ने केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते IPO में, तो वो अभी 21 लाख रुपये का मालिक होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।